दूसरी कैसे खाओगे? एप्पल से देख लो अपना खून कम हो रहा है, पहले कितना था? पहले 9 कुछ था। नहीं नहीं पहले ज़्यादा भी था, 10.1 था, फिर 9 हो गया था, फिर दोबारा बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया, 10.5 बहुत कम है। 10.5 में डिलीवरी बहुत रिस्की प्रोसीजर है। देखो इसका फर्स्ट 11 था, मैंने भी देखा 11 था। हमारा कभी नहीं बढ़ता अगर तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ। जिनका खून नहीं बढ़ रहा, एप्पल खाने वालों का तो बढ़ ही नहीं सकता और पालक खाने वालों का बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने डाइट में नहीं लिखा है। इसमें कहीं लिखा है एप्पल? लिखा है कहीं? कहीं पालक लिखा है? कच्चा पालक का जूस पी? इतना गंदा पालक होता है इंडिया में। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पे बेबी पालक ऊंचाई पे ग्रो किया जाता है सैलड के लिए, और छोटे छोटे पत्ते होते हैं, टेस्टी होते हैं। तुमने डाल के अपने जूस का स्वाद भी ख़राब किया और कीटाणु जो गए कितने अच्छे से धोगे। तुलसी थोड़ी कि चार पत्ते खाने, तुलसी के चार पत्ते खाते हैं, 5, 6, 7, 8 तक खा लो। पान का एक पत्ता खाते हैं, पालक के 100 पत्ते खाते हैं कम से कम। एक कटोरी भर के साग बनाते हैं हम लोग, तो हमारा चार पत्तों में कहाँ गुजारेगा? नॉन वेज से उन्होंने आयरन ले लेना है, हमारे चार पत्तों में आयरन कैसे चला जाएगा? और आयरन तो हम दे ही रहे हैं गोली, आयरन वाली कोई चीज़ नहीं खानी है, सब इरिटेटिंग होती है और उससे आपका मन में ऐसे आता है कि हमने खा लिया। बाकी 100 चीज़ें चाहिए, 100 बार बता चुकी हूँ, 100 वीडियो बन चुकी हैं कि आयरन वाली चीज़ें नहीं खानी, खून बढ़ाना है तो आयरन की गोली जा रही है। वो आपके 1.5 किलो पालक के बराबर है एक गोली। अगर हमें सब्जी से आयरन लेना है तो हमें 2.5 किलो घी खाना पड़ेगा, तो उतना आयरन मिलेगा जितना एक गोली में। हम सरप्लस दे रहे हैं पहले ही, क्योंकि बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो उतना आयरन जिसे चाहिए वो ले लेती। अगर तुमने आयरन की गोली खाई है नींबू पानी से, तुम्हारा सीरम आयरन कराएंगे, ठीक आएगा। खाइए कि नहीं खाइए, तो आयरन के अलावा 100 चीज़ें और चाहिए। दूध चाहिए सुबह शाम, अगर तुमने एप्पल खा लिया तो दूध तुम्हारा कम रह गया होगा, और एप्पल में इंसेक्टिसाइड दवाइयाँ इतनी होती हैं और पुराना होता है, उसमें विटामिन जो हमें चाहिए मिलते नहीं। उससे आड़ू खाते, आलू बुखारा खाते, लीची खाते, आम भी खा लेते, खरबूजा खा लेते। आजकल इतनी अच्छे अच्छे फ्रूट आ रहे हैं जो 2 महीने आते हैं सिर्फ वो खाना। और यहाँ बैठ के पहले वीडियो देखो, तुम्हारा टेस्ट होगा, उसके बाद मेरे पास आओगे आगे से। जो बात मैं 100 बार बता चुकी हूँ वो भी नहीं फॉलो करते, और डिलीवरी वाले दिन कितनी टेंशन होती है डॉक्टर को। तुम्हारा 10 जितना कम खून होगा उतनी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, 10 वाले का 7 रह जाएगा, 12 वाले का 12 ही। कल हुआ ना हमारा 12.5 है सिजरियन के बाद भी। जितना खून गाढ़ा होगा उतनी ब्लीडिंग कम होगी, जितना खून कम होगा पतला होगा उतनी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, उसी सेम सिजरियन में सेम बंदे के हाथ से, नॉर्मल में भी। तो जो मैंने इस डाइट में नहीं लिखा वो खाओ तो गारंटी है खून कम होता चला जाएगा, चाहे कितनी अच्छी चीज़ खा लो। बादाम, अखरोट, ये ड्राई फ्रूट खाओ, 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम दूध पियो, और कोई नाश्ते में एक फ्रूट खा लो। अगर शौकिया खाने, शौकिया भी खाना है तो एक नाश्ते में खा लो बस, रोटी की जगह। उसके बाद चटनी खाओ, धनिया की चटनी दोपहर को, सैलड खाओ, नींबू पानी खाओ, 5 कलर का अच्छा फ्रेश, जो कि तुम्हें पता है कल ही टूटा पेड़ पे था, कल सबसे अच्छा होता है पेड़ पे लगे लगे खाना, उससे अच्छा होता है तोड़ के खाना, उससे कम अच्छा होता है विदिन 24 आवर्स खाना। और उसके बाद वो फ्रूट बेकार खाद बन गया। तो जिसकी तुम्हें ये नहीं पता कि पिछले 1-2 दिन में, और जो फ्रूट कच्चे तोड़ के पकाए जाते हैं उनको फ्रूट में मत गिनो, उनको रोटी में गिनो कि हमने रोटी नहीं खाई, सेब खा लिया वो ठीक है, हमने लंच में सेब खा लिया, हमने केला खा लिया भूख लगी थी, रोटी ना खाई केला खा लिया, लेकिन वो फ्रूट नहीं है, वो कार्बाइड में पकाया गया है और उसके विटामिन कब से ख़त्म हो चुके हैं। एक मुहावरा याद आ गया, तू बस पत्थर पूज रहा है, प्रभु तो तेरी करनी सुन के कब से उठ के चले गए। समझ अच्छा है, दो अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा?
पहले करनी अच्छी करो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगी।